यूपी के सीतापुर के कमलापुर इलाके के बड़ा जटाहा गांव के रहने वाले करीब 80 लोग एक प्राइवेट बस बुक करके देवी मां के दर्शन करने के लिए पूर्णागिरी जा रहे थे। इसी बीच शाहजहांपुर जिले के खुटार के पास बस पर एक ट्रक पलट गया, जिसकी वजह से बस में सवार करीब 80 यात्रियों में से 15 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर सामने आई है। ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब बस ऋषि ढाबे पर यात्रियों को खाना खिलाने के लिए रुकी हुई थी। खबर प्रशासन को लगी, फौरन सभी यात्रियों को बचाने की कोशिश की जाने लगी। जेसीबी मशीन से बस का एक हिस्से को तोड़कर जो यात्री घायल थे, जिंदा थे, उनको बाहर निकाला गया। उनको फौरन पास के सरकारी अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जो लोग बस से उतरकर ढाबे पर खाना खाने चले गए थे, उनकी जान तो बच गई। जो लोग बस में सवार थे, आराम कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर लोग मौत के मुंह में समा गए, जिसमें मासूम बच्चे, महिलाएं और पुरुष शामिल हैं। मृतकों की संख्या 15 के करीब बताई जा रही है। आपके परिवार से कौन कौन? हमारे परिवार से 15-16 लोग हैं। कौन कौन है आपके परिवार के? हमारे परिवार के हमारा भाई है रामदास, हाँ। मेरी भाभी है मीना, मेरा भतीजा है सुधांशु, और मेरे चाचा हैं छोटेलाल, और मेरी चाची हैं एक्सपायर हो गई हैं, उनका नाम छोटकन्नी नाम है, और वो हम दूसरे मेरे चाचा हैं जिनका नाम नहीं मालूम इस समय है, शिवशंकर, हाँ शिवशंकर नाम है उनका, वो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा, कुल मिला के कितने लोग आपके परिवार के एक्सपायर हुए? 8-10 लोग एक्सपायर हो चुके हैं। जैसे ही इस बात की खबर सीतापुर प्रशासन को लगी, सभी भागकर आधी रात में कमलापुर के जटाहा गांव पहुंच गए। जानकारी जुटाई गई, सभी यात्रियों के नाम लिखकर उनकी लिस्ट बनाकर शाहजहांपुर प्रशासन को भेज दी गई है। कितने लोग गए दर्शन करने के लिए? यहाँ से हमारे घर से गए हैं कम से कम 15 जने गए थे। तो कहाँ गए थे ये? पूर्णागिरी। तो हादसा कहाँ हो गया? ये यहाँ से शाहजहांपुर रोड पे हुआ है, कुटारा। अच्छा, तो कितने लोग एक्सपायर हुए हैं गांव के? गांव के लोग 11 लोग हुए हैं, अभी बाकी लोग निकाले जा रहे हैं। आपके परिवार कितने लोग हैं? हमारे परिवार के लोग 15 लोग हैं। 15 लोग हैं। कौन एक्सपायर हुआ उसमें? हमारे चाचा का लड़का एक्सपायर हुआ, हमारा भाई। अच्छा, क्या नाम था उसका? अजीत। पीड़ित परिवार वालों का कहना है कि सभी लोग प्राइवेट बस बुक करवाकर शनिवार की शाम करीब 5 बजे घर से पूर्णागिरी के लिए देवी दर्शन के लिए निकले थे, जिसके बाद आज ये खबर सामने आई। काफी लोग गए थे गांव, ग्राम सभा से काफी लोग गए थे, उसमें 80-85 थे, बच्चे, बीबी, आदमी, लड़कियां, और हमारे खानदान के 5-6 लोग एक्सपायर हो गए हैं इसमें है। कौन कौन थे उसमें? अरविंद का लड़का, प्रमोद, केदारिन दाई, और काफी लोग उसमें घायल भए हैं। हादसा बेहद ही दर्दनाक है। 15 लोगों की मौत की खबर सुनने के बाद पूरे गांव में कोहराम। सिधौली से गुरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार न्यूज। बच्चा है, बच्चा बच्चा अंदर है, पानी में पानी में। अरे नहीं, थोड़ा आगे लाओ, मुझे बच्चे बाहर निकल गए, बाड़ी सीट हुए आदमी ने चक्कर में हुआ वो खाली। अरे आओ, आगे नहीं बेटा आ सकता है। दूर हट जाओ यार।